डीएफ सर। 0 1 2 3। अरे गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पहले ईवन करते हैं, जल्दी हो जाएगी क्यों प्रिया, क्योंकि ईवन ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव में टाइम लगता है क्योंकि ऑप्शन सामने नहीं है। चलो चालू हो गई है। ओके प्रियांशु। यस सर। प्रियांशु रिकॉर्डिंग ऑन कर ले, एक्चुअली पिपाशा रहेगा वो अटेंड नहीं कर पाएगा डाउट सेशन, तो उसको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मतलब स्टार्टिंग में कर दी थी स्टार्ट। ठीक है परफेक्ट। चलो गाइस ईवन ईवन वन से वन टू थ्री में से कोई ईवन वन टू थ्री में से कोई किसी का डाउट है वन टू या थ्री में से? नो सर। ओके फोर फाइव सिक्स? नो सर। नो सर। परफेक्टो, केमिकल इजी है ना। सेवन एट नाइन? सर हाँ सर, एट्थ में सर हम कब कहते हैं कि कोई रिएक्शन कंप्लीट होगी? जब हमने खुद क्वेश्चन में दिया हो कि कंसीडर कंप्लीट रिएक्शन। नहीं तो क्या होता है, सिस्टम है, मतलब केमिकल काइनेटिक्स करके एक चीज है, उसमें बताया गया है जितने मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी हो कि वो पुराने बॉन्ड्स तोड़ सके, सिर्फ वही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है, और सारे मॉलिक्यूल्स की सेम एनर्जी नहीं हो सकती। तो थोड़ा बहुत पार्ट किसी का बच ही जाएगा, कुछ कुछ नहीं कर सकते उसका हम, इसलिए कोई भी रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जाता चाहे कोई भी हो। ठीक है टेक्निकली देखा जाए तो सर क्वेश्चन आएगा फिर इसका सर, फिर 8th क्वेश्चन देखना। हाँ तो क्या हुआ इसमें, आंसर डी है ना इसका, क्या दिक्कत है? आंसर डी है इसका, देखा हुआ क्वेश्चन है मेरा पहले भी। गेट का आंसर डी है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो उसका। एक वो याद है मैंने कुछ पढ़ाया था इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, ये मान लो रिएक्टेंट है, ये मान लो रिएक्टेंट है, ये मान लो प्रोडक्ट है, तो सीधा कन्वर्ट नहीं हो सकता, एक मिनिमम बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, और सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि सबके पास एनर्जी नहीं होती ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो कि ये होती है। ठीक है, हर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नहीं होगी तो सारे मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं हो सकते, चाहे वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो चाहे इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है आंसर डी हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में तो हम एक्सटर्नली देते हैं ना, फिर तो हो ही जाती होगा। एक्सटर्नली देते हैं तब भी बता रहा हूँ मैं, जैसे सबसे परफेक्ट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, सबसे परफेक्ट होती है, उसका भी मैक्सिमम 99.9% कंप्लीशन, 100% कुछ भी नहीं हो पाता, 100% कुछ भी नहीं हो पाता। ठीक है उसी टेंशन मत लो ज्यादा, तो कोई भी रिएक्शन हो जब तक आईफोन रह गया, कोई भी रिएक्शन हो अगर जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता। अरे किसका माइक ऑन रह गया यार, ऑफ कर दो उसको, फिर रिपीट हो रहा बार बार, मेरी वॉइस रिपीट हो रही है। हाँ मैं कह रहा था जब तक कोई रिएक्शन में खुद नहीं बोल दे कि प्रोसीड्स टू कंप्लीशन या फिर कंसीडर कंप्लीट रिएक्शन, तब तक हम लोग नहीं मान सकते कुछ भी। ठीक है ध्यान रखना इस चीज का। ओके सेवेंथ एट नाइन्थ में और कोई?
10 11 12 10 11 12 10, 11, 12 किसी का? नो सर। रोशन माइक ऑफ रख दे बीच बीच में अपना। ट्वेल्व हो गया, 13, 14, 15 किसी का? 16, 17, 18 किसी का? 19, 20, 21 23 का आंसर गलत दे रखा है। हाँ जी सर। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़। The change in pressure will not affect the equilibrium constant. Equilibrium नहीं बोला है, equilibrium constant. और कोई भी reaction हो, equilibrium constant सिर्फ temperature पे depend करती है उसके। हाँ जी सर, इसका आंसर ये दिया हुआ है। D आना चाहिए। अच्छा ऐसा बोल रहा, फिर ठीक है। मुझे लगा कुछ और बोल रहा था। C आंसर आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। आंसर यही नहीं होगा। ठीक है, equilibrium constant, not the above, ठीक है। 24, 25, 26, 24 सिंपल है, सिखाता हूं। सुनो, मान लो 2A है और वो कितना बन रहा है? A2, राइट? क्लियर है? श्योर है ना? यही बोला गया है। ओके, अब इसका मान लेते हैं एक। तुम कितना ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड में कटना ही है उसको, ठीक है? वन में से 0.5 कटा, ठीक है, 50%, और इसका बना 0.25, क्लियर है इतना सब लोगों को। सर रोशन जान के बारी बारी उसको रिमूव कर दूं? कर दे। कर दिया? यहां जो कर दिया क्या? यस सर। ठीक है, गुड। ठीक है, 1.5 और ये 0.25, सबको क्लियर है ये? श्योर? यस और नो? यस यस सर। ओके सर, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे? 0.75, करेक्ट? हाँ जी सर। और इनिशियल मोल्स कितने थे? 1, करेक्ट? इनिशियल तो 1 था ना, ए का सिर्फ, है ना? यस और नो? इनिशियल मोल्स 1 है और इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स 0.75 है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। बचा क्या है? अब देखो, इनिशियली सिर्फ ए था, इनिशियली सिर्फ ए था, ए का मोलर मास दिया इन लोगों ने 122, यस और नो? करेक्ट? यस सर। अब इक्विलिब्रियम पे एवरेज निकालना पड़ेगा अपने को मोलर मास, उसको ए, उसको अपन एक्स मान लेते हैं, सॉरी एक्स नहीं वाई मान लेते हैं, और देखो मास कंजर्व्ड होगा तो टोटल मास विल बी इक्वल, टोटल मास विल बी इक्वल, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या हो रहा है यार? सर वो एक्चुअली ना रोशन ने मेरे रिमूव करने से पहले ही एग्जिट कर दिया था, वो नेम चेंज करके आया था, मैंने रिमूव कर दिया, अब दोबारा नहीं आएगा। अच्छा ऐसा कुछ था क्या? ओके,
सर कुछ पता है, कहावत होती है, मतलब उस जानवर की पूंछ अगर सीधी भी हो जाए वो जानवर जानवर ही रहता है। वो अब जानवर का नाम तुम खुद डाल देना, ठीक है। एनीवे 122/0.75 सॉल्व करो कितना आ रहा है, आगे से अप्रोक्स 163 आ जाएगा। बस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, ये तो आम तरीका है, बनता है एक मोल, तो 0.5 से कितना बनेगा, 0.5 से कितना बनेगा अगर 2 से 1 बन रहा है, बस हो गया, दैट्स इट। अब ये इनिशियल, ये मोल्स रिएक्टेंट के, ये मोल्स प्रोडक्ट के, टोटल मोल्स 0.75, खत्म। मोल कंसेप्ट है बेटा, समझना पड़ेगा ना। सर सेकंड में अपने मास कंजर्वेशन लगाया ना। हाँ सेकंड मास कंजर्वेशन है ये पूरा, इनिशियल मोल्स इनटू इनिशियल मोलर मास इक्वल टू फाइनल मोल्स इनटू फाइनल मोलर मास, काम करता है। अच्छा ये तो वो तरीका था कि मतलब मैं मतलब ये सॉल्व कैसे किया जाता है क्वेश्चन, अगर ये एग्जाम में आता और तुमको मान लो ये क्लिक नहीं करता तो क्या करते, अंदाजा लगाते सर 122 ना, ना, अंदाजे से होते नहीं, सुनो ध्यान से, कर दो ना 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 ऐसा नहीं, सुनो ध्यान से, C6H5COOH इसका मोलर मास है 122 करेक्ट, और उसके डाइमर का मोलर मास क्या होगा 244, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आया, यही ऑप्शंस अपने पास, ठीक है। अब जो एवरेज मोलर मास आएगा वो दोनों के बीच में आएगा 244 और कहते 122 के बीच में, करेक्ट। अब जरा ऑप्शंस चेक करो सर, ये भी तो आपने अंदाजा ही लगाया है सर, अंदाजा नहीं लगाया, ऐसे बोलते हैं वेटिनेस। दो चीजों का मोलर मास जो होता है ना, दो चीजों का मोलर मास जो होता है ना वो उसके एवरेज के बीच में आता है हमेशा, तो जो कंटेंट उसके आसपास है उसको हटा दो पहले, इसे अंदाजा नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं वेटिनेस, और वो यही टेस्ट करते होते हैं, इसको कहते हैं जो ऐसा पढ़ा रहे होते हैं ना इस चीज को, उसे उसे ये चीज तुक्केबाजी कहकर बोलते हैं कि भैया ऐसे ही ऐसे नहीं होता, बट जिस एग्जाम को तुम देने वाले हो ना उसमें यही करना होता है। अगर देखो तुमने जो क्वेश्चन देख लिए वो थोड़े ना आएंगे पेपर में, नए क्वेश्चन होंगे बिल्कुल, है ना, बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे। अब नए क्वेश्चन होंगे और तुमको क्लिक नहीं कर रहा कि सॉल्व चालू कैसे करना है, छोड़ के आने वाला तो वैसे ही नहीं जाएगा एनआईटी आईआईटी, है ना, समझ रहे हो बात को मेरी, समझ में आ रही है बात, इसे अंदाजा लगाने नहीं कहते, इसको कहते विटीनेस, कि मतलब क्वेश्चन नहीं हो रहा एक बार ये तो चेक कर लो कि ऑप्शन का रेंज क्या हो सकता है, रेंज पता लग जाए एक बार और ऑप्शन दूर दूर हो इस टाइप से, किस्मत अच्छी हो तो आंसर आ जाएगा बिल्कुल श्योरिटी के साथ, हाँ किस्मत खराब हो ऑप्शन हो 164 165 163 167 फिर तो क्या ही करोगे, छोड़ो आगे बढ़ो, बट बेसिक तो वही है मास कंजर्वेशन, समझे समझे सर। एक बार वो रिपीट करना, एक सेकंड वाला मतलब कौन सा, अंदाजे वाला सर ये जो, हाँ जी सर, एवरेज आना चाहिए 122 और 244 के बीच कहीं पे, कुछ आसपास आना चाहिए उनके बीच में, है ना, हाँ जी, मतलब 122 से ज्यादा 244 से कम, ऑप्शंस चेक करो, वन यही है 163 वाला, बस काम खत्म, पैसा सब ओके हो गया, सबको क्लियर है, यस सर ओके यस सर। 24 25 किसी का, 25 सर 25th में से प्रियांशु ने एक फॉर्मूला बताया था कि इनिशियल वेपर डेंसिटी अपॉन फाइनल को हम इनिशियल मोल्स अपॉन फाइनल मोल्स लिखते हैं, इसका एक बार डेरिवेशन बता दो। ना ना डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सुनो ध्यान से, मैंने आज तक कभी मास कंजर्वेशन के ऊपर गया हूं मैं लाइफ में, ये बताओ, नहीं गया ना, तो तुम भी क्यों जा रहे हो, इजी काम करने में प्रॉब्लम क्या है लोगों को, देखो सिंपल इधर देखो, इनिशियली 1 मोल है राइट, मान लेते हैं 1, ए भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब काट जब इक्वेट करोगे तो वो कट जाएगा, 1 में से एक्स कटा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यस करेक्ट, हाँ जी सर, यस सर, और इसका
2x बना, क्लियर है? यस सर। यस और नो, है ना? यस सर। अब इनिशियल वेपर डेंसिटी क्या देकर रखी है? कैपिटल डी, राइट? यस सर। हाँ, डी इनिशियल है, तो इनिशियल मोल्स इनटू इनिशियल मोलर मास 2d, इनिशियल मोल्स इनटू इनिशियल मोलर मास इक्वल टू टोटल फाइनल मोल्स, इनटू फाइनल मोलर मास। बस, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हो गया। मैंने भी जिंदगी कहूं मास कंजर्वेशन ऊपर गई नहीं है सर, वो मैंने सर गलती से वो वेपर डेंसिटी को सर टोटल मास ले रहा था सर, मोलर मास नहीं। वो तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो हो जाएगा 2526 साल। हाँ जी सर, ठीक। ओके, 27, 28, 29 में से कोई? सर 27 बता दो एक बार। इक्विलिब्रियम बोले, देखो पहले निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट? देखो पहले निकालना, मैं हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व तो कर ही लेगा तू खुद ही। देखो निकालना पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेक करने के लिए, करेक्ट? यस, है ना? इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? नेट रेट जीरो हो जाता है। यस सर। तो dx / dt को जीरो रख दे, तेरा NO2 स्क्वायर अपॉन NO2 * O2 आ जाएगा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। हो गया, बस मुझे तो यही नहीं समझ आता dx / dt क्या मतलब है इसका। यही तो बताया था, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन। एक बार दोबारा बताना जो आपने बताया लास्ट में, NO होल स्क्वायर वाला। अरे वो dx / dt जीरो रख दिया। हाँ जी सर, उसको ध्यान से देखो, उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, अगर मैंने ये अभी बता दिया 12th में क्या पढ़ाऊंगा काइनेटिक्स में, तुम लोग बोलोगे चैप्टर स्किप कर दो सर, पढ़ तो लिया हम लेकर केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये सर अगले साल भी तो पढ़ाना है यार। ठीक है सर, एक बार 25 बता दो सर। 25 सर, 25 बताया तो मैंने अभी सर, समझ नहीं आया सर। अरे क्यों समझ में नहीं आया, मतलब प्रॉब्लम क्या है इस चीज में? मास कंजर्व क्यों नहीं समझ में आया तुमको? नहीं सर, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ग्राफ नहीं मिल रहा सर। अच्छा ग्राफ, अच्छा ग्राफ ऐसा बोलना ढक्कन कहीं कहीं, ग्राफ बनाना सिखा दो मेरे को। अब सुन देख ध्यान से, तेरा फाइनली ये आ गया था 1 × d इक्वल टू 1 + x × d, ये आ गया तेरा, आया था नहीं आया था? आ गया था सर। हाँ जी सर। तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इक्वल टू 1 + x, करेक्ट? यस और नो? यस सर। ओके, अब इसको रखना है y एक्सिस पे, इसको रखना है x एक्सिस पे, यस और नो? है ना? ग्राफ देख, ग्राफ देख, ऑप्शंस देख, यही है? यस सर, यस सर। अगर एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू भी जीरो, करेक्ट? यस सर। यस और नो? इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यस सर, यस सर। अगर तुमको समझ में नहीं आया तो मैं पांडे सर को बता दूंगा सर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे काम करने बैठ के, 10th वाली कोऑर्डिनेट, वो भी x और y दोनों जीरो हो सकते हैं। अगर x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना आएगा? अबे वैल्यू पुट करनी है तेरे को, ये बात समझ नहीं आ रही सही में? y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है बस सर। सर इतना क्या कर रहे हो सर, सीधा x इक्वल टू y? नहीं 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 नहीं, अगर उसको y इक्वल टू x का ग्राफ पता होता कौन सा मैच कर रहा है?
सर मैंने आंसर गलत देख लिया था, सॉरी सर। अजब यार, तुम जैसे लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है। अब हंस मत, अब हंसा डांट छुपा के हंसकर, ठीक है? 28 से 30 कोई, कोई 28 से 30? कोई 31 से 33? सर होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? हर चीज एक ही फेज में होती है। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है आ गया। अरे डाउट अंग्रेजी में होता है, बदनाम केमिस्ट्री होती है। 31 से 33, 34 से 36, 34 से 36, 37 से 39, 37 से 39, 40 से 42, 42 ओके। सबसे पहले तो दो स्टेप है और दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देके रखे हैं, राइट? यस सर, यस सर। और उन्हें पूछा है ओवरऑल का क्या होगा, उन्हें पूछा है ओवरऑल का क्या होगा। फॉर एग्जांपल ए से बी का है 10^-2 और बी से सी का है 10^2, तो ओवरऑल क्या है ए से सी, इसका क्या होगा, राइट? कैसे निकालोगे बताओ? मल्टीप्लाई, बस हो गया खत्म, दैट्स इट, वन। ओके सर, दैट्स इट। सर 43, 43 क्या है इसमें? अरे ये तो बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है, गजब, अच्छा क्वेश्चन। देखो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, तुमको करना वैसे ही है जैसे मैंने सिखाया इक्विलिब्रियम में, ठीक है? ध्यान रखना इस बात पे, क्लियर है? ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। PCl3+Cl2 gives PCl5, क्लियर है? ठीक है, और तुमसे पूछा है कि PCl5 के कितने मोल्स डाले जाएं कि एंड में Cl2 की वैल्यू कितनी हो जाए, कितनी हो जाए Cl2 की वैल्यू? 0.2, क्लियर है? यस और नो, क्लियर है इतना क्वेश्चन? यस सर। अब इसके ए मोल्स मान लो इनिशियली, ए मोल्स मान लो इनिशियली, ठीक है? ए में से कितना कटेगा एक्स, इसका कितना बनेगा एक्स, इसका कितना बनेगा एक्स, क्लियर? यहां तक रिएक्शन पीछे जा रही है? यस सर, ठीक है। अब आगे, अब आगे सुनो, उनने बोला है सीएल टू कितना चाहिए, 0.2 चाहिए, राइट? सीएल टू कितना चाहिए? कंसंट्रेशन है सर, हाँ कंसंट्रेशन है सर, वो तो वट एवर, 0.2 चाहिए ना कंसंट्रेशन, यस और नो? हाँ जी सर। तो एक्स अपॉन, एक्स अपॉन डोंगी की वॉल्यूम कितनी है, डोंगी की वॉल्यूम कितनी है 2.5 लीटर, इक्वल टू 0.2, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा 0.5। तो अपने पास ये वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, 0.5 इसकी, 0.5 इसकी और ए माइनस 0.5 इसकी। अब हिमांशु, सॉरी क्या नाम है प्रियांशु, इनको इनको के में रख दे, बस इस इक्वेशन के में रख दे, के सी में, और इक्वल टू 15 हो जाएगा, राइट? यस सर। इनटू इनटू 1/ वॉल्यूम की पावर डेल्टा एनजी, मालूम है ना? यस सर। इतना कर दे तेरा ए अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देख के बिल्कुल मन नहीं कर रहा सॉल्व करने का, 2 आ जाएगा सर। ठीक है, चलो ठीक है, बचा लिया होगा सॉल्व करने से। हाँ भाई 43 44 45, सर एक बार 45 देखना सर, देख रहा हूँ, आप करना क्या ही बता दो।
इसका सर ए ऑप्शन में मतलब आंसर भी ए ऑप्शन है, H2 ऐड करेंगे सर तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, मतलब प्रेशर कम होना चाहिए और प्रेशर H2O ऐड जैसे ही किया तुमने, अगर रियलाइज किया हो तुमने जैसे ही H2O ऐड किया, वो SO3 को डिसॉल्व कर लेगा और क्या बना देगा, H2SO4, अगर रियलाइज किया हो तो। यस सर। अब SO2 डिसॉल्व करे क्या बना दिया, H2SO4, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एक कम, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड, बस हो गया इतना था सर। SO2 को डिसॉल्व किया SO3 को, SO3 H2SO4 बना रहे ना अपन लोग, देखो ध्यान से H2SO4 बना रहे हैं ना सर। ये रिएक्शन सर याद कराने का कोई तरीका बता दो, मतलब बताओ मतलब कहां से वो करें इसका। नहीं, नहीं है, क्वेश्चन ने खुद हक दिया ये चीज, देखो ध्यान से, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, और जहां तक मुझे लगता है H2SO4 SO3 प्लस H2SO बनता है, जहां तक मुझे लगता है, कंजर्व कर दे एटम्स, H2SO2 बनेगा ना H2SO3, वो तो पता चल गया सर। बस फिर अबे इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इसमें फैक्ट्स नहीं चाहिए होते, क्वेश्चन कुछ दिए रहते, ठीक है, समझ गया। यस यस सर। ओके 46 47 48 सर, 46 भी बता दो। 46 मैंने अगर याद हो तुम लोगों को थर्मो में, इक्विलिब्रियम में नहीं, थर्मो में क्वेश्चन लिखवाई थी मैंने कि देखो डेल्टा H G0 जो होता है वो होता है डेल्टा H0 माइनस T delta S0। यस सर, करेक्ट। अब एक और इक्वेशन लिखवाई थी, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस 2, अच्छा लॉन है कि लॉग है, लॉग 10 है ना, प्लस 2.303 RT log K, माइनस 2.303 log 10 रखना है ना, ग्राफ देख log 10 रखना है। यस सर RT log K, इसको यहां पुट कर दे इधर पे, तो तेरी इक्वेशन आ जाएगी लॉग के इक्वल टू माइनस डेल्टा H0 अपॉन चलना 2.303 RT प्लस डेल्टा S0 अपॉन मैच कर सकते हो। यस सर, हो गया सर, बस दैट्स इट, समझ में आया, थर्मो पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में, इसलिए समझ आते ही ठीक है। नहीं सर, वो इंटरसेप्ट वाली टर्म ने वो सोची थी कि वो तो इंटरसेप्ट बन जाएगा ना, होता है Y=mx+c। ओके अच्छा 47 48। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर, सेकंड लास्ट स्टेप रिपीट करना एक बार। रिपीट क्या करना है उसमें, जो डेल्टा जी नॉट है उसको बस मैंने फर्स्ट सेकंड लॉ में पुट कर दिया, काम खत्म, उसका खुद सॉल्व हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ना, नोट कैसे आएगा, हाँ डेल्टा एच नोट कैसे आएगा, अरे ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, अब इक्वेशन ये बन गई ना, तो जो स्लोप दी है उसको इससे इक्वेट कर दो, बस खत्म करो, 1/T का वर्सेस ग्राफ है ना। ओके सर, बस हो गया, दैट्स इट, समझ में आया, रिप्लेस किया बस मैंने। यस सर, ठीक है। हाँ भाई 49 50 51,
52 53 54. हाँ ये सबसे हो रहे हैं, उनसे सॉल्व नहीं करना पड़ता ना, सही है, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट्स. 52 53 54. लड़ो मत. तो पता नहीं किसका आइडिया, तो सब लोग को एक क्लास में डाल दिया गया. दो लड़ते रहते हैं, दो हंसते रहते हैं, काम ही खत्म. सर लड़का रहे हैं सर, आप जान के वो कर रहे हो सर. अच्छा इसमें मेरी गलती, उल्टा डकैत कोटवाल को डांटे. सर आप हमारे मजे लेते हो कई बार, हमें भी मजे दिया करो सर. फ्रेंडली डिस्कशन. टू पॉइंट टू माइनस एक्स, एक्स और एक्स यहां का सबने कर लिया था. अब टोटल मोल्स जो है वो है 2.2 प्लस एक्स, और उसकी वैल्यू दी है 2.53, करेक्ट है ना, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.33. तो ये सिर्फ मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, तुम्हें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो वो होता है मोल्स कितने डिसोसिएट हुए हैं अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. बस सर कितने में से हुए, अब आ जाएगा. यस सर. बस हो गया. 60 तक कोई है? E1 में किसी कोई डाउट बच रहा है? नो सर. अच्छा अगले हफ्ते का E2 हो जाएगा, ठीक है, लगे हाथ आईनी भी कर लेते हैं अगले हफ्ते E2, ठीक है, संडे को, क्या बोलते हो? S2 नहीं सर. यस सर. E2 रख लो सर. यस सर. S2 की नहीं, पहले E2 कर लेते हैं, E2 में ऑब्जेक्टिव जल्दी हो जाएगा ना. सर S2 भी कर लो, अब देख तो कोई दिक्कत नहीं, S2 दोनों कर लेंगे अगले हफ्ते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना. अच्छा अगर 4 मिनट का शायद मीटिंग ऑफ हो जाएगी अपने यहाँ पे, दोबारा लॉग इन कर लेना, ठीक है, और प्रियांशु ऐड कर लेगा. प्रियांशु सुन तो, अगर तुमको किसी को रिमूव करना है ना, तू बेक ऑफ रिमूव किया कर, और बाद में तो कन्फ्रंट करे ना, तो बेक ऑफ चाटा ही मार देगा किसी के मुंह पे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट सपोर्ट वालों को अलग करूंगा बैठ के, ठीक है, टेंशन मत ले, फुल अथॉरिटी दे रहे पास, बस जान से नहीं मारना है किसी को भी, ध्यान रखना है ना, हड्डियां तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, जान से नहीं मारना. पूछ लेता हूँ ना कल को, बोल दे मैं तो डाउट पूछ रहा था, प्रियांशु ने रिमूव कर दिया. तो फिर तो पूछना आएगा ना, हटाए थोड़ी तेरे को आया, ठीक है फिर, समझ गया ना बात को. खैर S1 पे आ जाओ, S1 के खटिया लेवल के क्वेश्चन मजदूरी वाले, जो बोर्ड तुम लोग तो NCERT कर ही चुके हो कल, तुम्हें तो पता ही है सर. हाँ फिर 4 मिनट तो रह गया, S1 न्यू मीटिंग में स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बीच में रुक ठीक है, मैं उसको प्रोसेस न्यू मीटिंग स्टार्ट करता हूं, ठीक है, कर दे एंड कर दे. आगे सब लोग, लेट अस स्टार्ट देन सर. हाँ सर, आयनिक में ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पहचानने में बहुत दिक्कत होती है सर.
क्वेश्चन में के दिया है तो वीक, नहीं दिया है तो स्ट्रॉन्ग। नहीं सर, मान लो ऑप्शंस है, हमें बताना कि वीकेस्ट एसिड या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करो, पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करो। जितना नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा एलिमेंट का उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना मेटालिक कैरेक्टर होगा उतना वीक एसिड। अब हो जाएगा ठीक है सर। जैसे H2SO4, HClO4, ज्यादा नॉन मेटालिक कौन होता है, HCl की S, H2SO4 HClO4 में दोनों में से जो कॉमन एटम है Cl और H, राइट, सेंट्रल एटम सॉरी, ज्यादा नॉन मेटालिक कौन सा होता है? नॉन मेटालिक Cl होगा ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। यस सर, सोच क्या रहा था बैठ के, तो HClO4 मोर एसिडिक हो जाएगा H2SO4 से, काम करता हूं। ठीक है सर, ठीक है समझ गया। पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग बेस हो जाएगी, समझो बात को सर। बेस के लिए नहीं, बेस के लिए मेटालिक देख लो, बेस का भी बताना पड़ेगा क्या? ठीक है सर। ये हुआ है चाहे हुआ है, ज्यादा मेटालिक कौन के, ये हुआ है स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है सर, ठीक है, ट्राई करना खुद से सर। E2 के क्वेश्चंस इस पे बेस पे सो हो नहीं रहे थे, वो कौन से वाले क्वेश्चन, अब दोबारा कर लेना, हो जाएंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है। S1 1 से 5, S1 1 से 5 कितना अच्छे क्वेश्चन है ना, सीधे इक्विलिब्रियम का दिख रखा है, कॉन्सेंट्रेशन बोला KCKP निकाल लो, भगवान भला करे लोग। 1 से 5 तो कोई डाउट किसी का? सर 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 सर, क्वेश्चन में सर आर की वैल्यू कैसे पता चलेगी अगर क्वेश्चन में कोई यूनिट्स वगैरह ही नहीं दिए हुए? अरे देखो 1/12 लो, तुम्हारा आंसर सही आंसर। हैप्पी? नहीं सर, देखो सर, जैसे S1 का फोर्थ क्वेश्चन है सर, इसमें जो आंसर है वो 100/12 लेके आ रहा है, और सर E1 का एक सिक्स्थ क्वेश्चन है उसमें 1/12 लेके आ रहा है। तू टेंशन ले रहा है, इनकी गलती है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? अबे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एनसीईआरटी लेवल वाले जो होते हैं उसमें हर जगह केसी को पर लीटर लिया गया है, राइट? हाँ जी, यस और नो? और प्रेशर को एटीएम या बार में लिया गया हुआ है, पास्कल तो यूज नहीं करता एनसीईआरटी, तू बेक ऑफ होके 1/12 ले, टेंशन मत, समझ गई बात? ठीक है सर, बस खुश रहो। अच्छा गाइस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लक्ष्य ने इसको बना दिया, अच्छा भैया। क्या चीज सर, समझ नहीं आया। मैंने बोला अच्छा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से सीधा सीधा करना है काम, नहीं उसमें भी डाउट क्रिएट करी दो बैठ के, सही है? मतलब तू, तेरा तो डाउट क्लियर हो गया ना, अभी काफी लोग होंगे नीचे ऊपर नीचे तेरे अभी यहाँ पे, और वो हाँ यार सही बात है यार, 100/12 लेना कि 1/12 लेना, अभी तो सब लोग 1/12 ले रहे थे चुपचाप। लेवांश बोला था सर, लेवांश था क्या ये? हाँ जी, लेवांश तेरे में भी कीटाणु आ गए लक्ष्य वाले। सर मुझसे आप ही बदनाम कर देते हो सर। नहीं तो अभी तो देखो, बदनाम में भी नाम होता है, याद रखना, बदनाम में भी नाम होता है, ध्यान रखना, ठीक है? फंडे दे रहा हूं, खैर छोड़ो। 6 से 10, 6 से 10 कमाल है यार, इतना इजी चैप्टर है क्या सही में? सर इक्विलिब्रियम तो आसान है, दुख तो क्वाड्रेटिक ने दिए उसके अंदर। हाँ ये तो बात है, क्वाड्रेटिक छी। 11 से 15 किसी का? सर 11th इलेवेंथ में क्या दिक्कत होगी, चेक करते, रुक जाओ, चेक करते आराम से, इजी। ओके, H2 गैस इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ 5 लीटर फ्लास्क एट 327 डिग्री सेल्सियस कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ CO एंड अ कैटलिस्ट अंटिल द प्रेशर इज 0.92। एट दिस पॉइंट 0.1 मोल ऑफ CH3OH इज फॉर्म। चलो पहले तो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए मूल की तरह। अरे यार सर, इसमें मैं बताऊं मिस्टेक क्या होगी? सर एक मिनट मैं कर लूं पहले, एक मिनट हा, विथ योर ड्यू परमिशन। यस सर, 0.2 ठीक है। अब किया क्या गया है, सबसे पहले तो इसके तुमको मोल दिए नहीं है H2 के, राइट? H2 के मोल्स नहीं दिए हैं,
तो H2 के A मान लो, ठीक, इसमें से X कटेगा, इसमें से 2X कटेगा और इसका X बनेगा। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यस ओके। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स है, तुमको दो इक्वेशंस चाहिए होंगी, राइट? तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स है, तुम्हें दो इक्वेशन चाहिए होंगी। तो पहला तो अभी निकल जाएगा CH3OH का 0.1 बन रहा है, तो X की वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई? 0.1। तो अब ये वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? 0.1 A माइनस, 0.2 और ये कितना आ जाएगा? 0.1 तो है, ठीक है। अब PVNRT का इस्तेमाल करके A की वैल्यू भी निकाल लो। PVNRT 4.92 0.3 के राउंड आ रही है, कितनी? 0.3 के राउंड, ठीक है। तो तुमने निकाल लिया ना, कुल मिला के PVNRT से A निकाल लिया। अब बस ये वैल्यूज पुट कर दो और ध्यान रखना ये मोल्स हैं, इनको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना केसी के लिए और H2 का स्क्वायर जरूर करना, उससे तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए। नहीं आ रहा सर। तो दो मिनट मेरी सुनो सर, PVNRT से मोल निकाल के मैं भी फिर PVNRT की कैलकुलेशन में मिस्टेक कर लूं। सर जो ना सर प्रेशर इन्होंने 4.92 दिया ना सर, वो अगर आप खाली H2 का प्रेशर लो सर तो उससे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, उससे H2 के मोल 0.492 आ जाएंगे इनिशियल। बट यहाँ पे लिखा है अंटिल द प्रेशर इज 4.92, टोटल ही होगा ना ये सर, तो उससे आंसर नहीं आ रहा था ना, मैंने फिर मतलब उससे भी ट्राई करके देखा था, उससे करेक्ट आंसर आ गया था। तो फिर क्वेश्चन में करेक्शन कर दो, अंटिल द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 4.92, फिर करेक्शन कर दो, फिर आ जाएगा सही आंसर। हां फिर आंसर में करते हैं सर, क्वेश्चन में तो कम नहीं है। तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो क्या करना है, तो मुझे बता देना। लक्ष्य गर्ग क्या करना चाहते हो सर? क्वेश्चन चेंज करना चाहेंगे, तो आप क्वेश्चन चेंज कर दो। दूसरा कौन था? ऑपोजिशन सर सायरा सर। हाँ सायरा, तुम क्या करना चाहती हो? आंसर चेंज करो, तुम आंसर चेंज करो, दोनों कुछ रहो। सर मेथड तो पता लग गया, यहाँ पे कौन से मार्क्स मिल रहे हैं। अब देखो जब क्वेश्चन में ही गलती हो जाती है ना, तो टीचर का फर्ज बनता है कि इस पर बोनस दिया जाए। करवाते तो रहते हो मुझे तुम लोग, सर फिजिक्स में ये बोनस कर दो, फिजिक्स में बोनस कर दो, है करवाते हो ना मुझसे, वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा। बस लड़ना मत टीचर सब, समझ गए, स्कूल वाले से, उसके प्रैक्टिकल के नंबर भी तुम्हारे हाथ में, उसके हाथ में तुम्हारे, इसलिए कह रहा हूं। टेक केयर। चलो सब खुश हो गए 11th क्वेश्चन में, किसी को दिक्कत तो नहीं। अब जिसको प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन करके करना है उससे कर लो, जिसको आंसर चेंज करना है आंसर कर लो चेंज, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगले मॉड्यूल से क्वेश्चन उड़ा ही दूंगा पूरा, ठीक है? और कोई 15 तक और कोई? सर 14 का आंसर चेक कर लो एक बार, मतलब मुझे सॉल्व करना पड़े। ओह गॉड, 13 क्या आ रहा है अनमोल? ये तो सर मेरा, हाँ जी सर, 13 क्या आ रहा है आंसर इसमें? सर 0.7 कुछ डेसिमल में आ रहा है सर एग्जैक्ट, चेक कर लेते हैं अपन लोग। 1.5 मोल लिया गया है 500 ml सॉल्यूशन डोंगे में, राइट? तो 3 माइनस एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, ये क्या हुआ भाई? होगा, अरे यार ये लैपटॉप क्या मनमर्जी चलता है क्या? कभी भी ऑफ हो जाए, कभी भी ऑन हो जाए। सर आपने 3 क्यों लिया सर इनिशियल मोल्स? अरे मोल्स नहीं लिए, मोलारिटी ली थी जिससे, मैंने काम ही खत्म हो जाए। अच्छा ओके 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 सर, ठीक है ना, टेंशन ही खत्म करो। एक मिनट जरा जो
तुमको वैल्यूज बोलनी पड़ी, मेरा लैपटॉप पता नहीं स्क्रीन मेरी ऑफ क्यों समझ में नहीं आ गया। भगवान अभी का टेंशन रहता बैठ के यार ये। चलो ठीक है, सब लोग बोलते रहते सर नया लैपटॉप ले लो सर, कब तक चलाते रहो 2009 का मॉडल दिया। मैंने बोला कि जिस दिन के वो स्टूडेंट हमारा ले आया रैंक टॉप 10 में टॉप 100 में, मैं नया लैपटॉप ले लो खुशी के मारे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है देख लो, तुम लोग देख लो, तुम्हारे बेस पे डिपेंड करता है कि नया लैपटॉप अगले साल आएगा कि अगले के अगले साल आएगा, कब आएगा देखते हैं। ठीक है ध्यान रखना इस चीज का। तो केसी लिखते हैं अपन लोग एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1.8 ना। अब एक काम करो 1.8 को 9/5 लिख दो, सॉल्व करना इजी हो जाएगा, दुख कम होंगे। तो 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27 इक्वल टू 0, ये जरा सॉल्व करना क्वाड्रेटिक कितना आ रहा है, माइनस 9 प्लस रूट ऑफ 81 प्लस माइनस 4ac मतलब 540 आई गेस, हाँ 540 डिवाइडेड बाय 10। जरा कोई बताना ये वैल्यू कितनी आ रही कुल मिला के, मतलब नियरली आई थिंक 25 माइनस 1.6 समथिंग आ रहा होगा x, करेक्ट चेक करो 1.6 आ रहा है मेरा, अच्छा आएगा सर 1.6 मान लेते हैं, छोड़ना ठीक है हाँ 1.6 ठीक है। तो PCL3 का 1.6, CL2 का 1.6 और PCL5 का 1.4 चेक करो आंसर। यही है बस 1.59 है। हाँ तो क्या फांसी तो गई क्या मेरे को 0.01 के लिए है? सर आपने वन चलेगा ना इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? अरे कुछ नहीं देख, जैसे मैंने ऐड किया था ना माइनस 81 और 540 भैया 621 आ गया, 625 का होता है 5 और कुछ खास एरर नहीं आएगा, तो मैंने 25 ले लिया इसको, मैंने पूरा इसको मैंने 25 ले लिया इसको मैंने 625 का। ओके सर ठीक है ना, जल्दी नहीं निकाला है मैंने, अप्रोक्सीमेट किया। अब चार के लिए काहे को मैं दौड़ू बैठ कर, ठीक है हाँ जी सर क्लियर है अनमोल? यस सर यस सर। अच्छा तेरा 1.4 कैसे, एक मिनट तेरा 1.4 आ रहा है तेरा आंसर क्या है सर? पता तेरा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी। हाँ गजब आदमी हो यार कसम से। 15 तक और कोई? 16 से 20, डर लग रहा है मेरे को प्रियांशु क्वाड्रेटिक आने वाला कहीं पे आसपास ही है सर, मैं वेट ही कर रहा हूं। 16 से 20 और कोई? इस पे तो शेर अर्ज है क्वाड्रेटिक पे, तो सुनोगे इरशाद सर? यस सर इरशाद। तो ये मैंने 2 साल पहले मैंने मारा था ये लक्ष्य किसी को, कि स्टूडेंट जो थी वो बड़े चालाक टाइप की, इनिशियल काम खुद कर लेगी, वो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक जब भी बचेगा ना मेरे पास लेके आ जाएगी। तो मैंने बोला था कि जब जब तू क्वाड्रेटिक बना के मेरे सामने लाती है, जब जब तू क्वाड्रेटिक बना के मेरे सामने लाती है, माँ कसम बताए मुझे आंखों से भी उल्टी आती है। अगले क्वेश्चन पे चले सर। सर हाँ सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक लेके आती है मुझे आंखों से भी उल्टी आती है। बस सर बस सर प्रियांशु को क्या कहोगे फिर? देखता हूँ, जेंडर को चेंज करना है, हो जाएगा कुछ ना कुछ।
ठीक है सर, मैं क्वाड्रेटिक नहीं लाया, मैंने सॉल्व करके आपको सलूशन भेजा था कि सही है कि नहीं, आंसर मैच नहीं करता। हां तो पर दोबारा मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि पूरा सही लग रहा था देखने में, समझा बात को, मतलब मुझे भी उतरना ही पड़ेगा ना उस पे। 21 से 25 22 सर ये मेरा, ये देखो मेरा भी हुआ है सर, कल ताजे-ताजे ही हुआ है। अच्छा हो गया, हां जी सर हो गया था, ये हो गया सर, सही है ये। यस सर हो गया। तुम में से कोई प्रियांशु को हेल्प कर देगा, क्योंकि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक। कशिश दीदी कुछ नहीं, प्रियांशु व्हाट डू यू वांट सर? सर लक्ष्य से पूछ लूंगा, अगर समझ आ गया तो ठीक है, वरना फिर आप मेरे पास तो है ही सही है। 25 25 तक और कोई, 21 से 25 तक छब्बीस से 30 कुछ तो देखे रखा है, सॉल्व क्या करना है दिया क्वाड्रेटिक। अच्छा हाँ ठीक है, 26 से 30 31 से 35 सर 35 के सेकंड का आंसर नहीं मैच कर रहा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पहले तो केपी निकाल लिए तूने? यस सर, पहले केपी निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 1 × 0.25 0.266 आएगा, पीछे भी यही है, वो तो सही आ गया, वो चेक कर रहा हूँ, वो मैं चेक कर रहा हूँ। वन बाय थ्री करीब आ रहा है, केपी 1/3 आ रहा है मेरा, पता नहीं क्यों सर, मेरा भी 1/3 आ रहा था, वही होगा पीछे क्या दिया है, 0.26 0.3 वही होगा, 0. नहीं हमारा 0.333 आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, शायद ये गलती रही होगी। केपी तो सही आ रहा है सर, इसके सेकंड पार्ट का आंसर गलत है, केपी तो 0.266 ही आएगा। यस सर क्यों? अच्छा ओके हाँ, टू, अरे फोर भी तो है, टू एनओ टू होता है ना, सही तो है, 4/3 आएगा, हाँ सही, फोर भी नहीं, कहां से आ गया सर, एक मिनट, फोर, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुन ले सुन ले, N2O4 है ना, मैं PCL वाली सोचा कर रहा हूँ, बैठ N2O4 से बन रहा है 2NO2, करेक्ट, तो इसका क्या बोलते हैं 1 - α, इसका 2α, करेक्ट, यस और नो? यस सर। डिवाइड बाय टोटल मोल्स, 1 + α, 1 + α इनटू टोटल प्रेशर 1, आ गया पार्शियल प्रेशर, है ना? यस सर। अब इसको केपी में लिख दो, तो आएगा तुम्हारा 4α² / 1 - α² ये आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर, तो ये हो जाएगा 2 - 1 अल्फा की वैल्यू 0.5 है ना, 50% डिसोसिएटेड, राइट? अच्छा 25% डिसोसिएटेड आ रहा है, सॉरी सॉरी, तो 4 × 0.25 का स्क्वायर अपॉन 1 - 0.25 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो लगभग, हाँ सही बोल रहा था, 2.6 इस करीब आना चाहिए, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर करेक्ट है, ये सॉल्व किया है मैंने पूरा, ठीक है सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट ठीक है, यहीं पे हो जाएगा सेकंड पार्ट, टेंशन मत लो, केपी बस याद रखना, केपी क्या है, ठीक है बस केपी याद रखना, बाकी तो ठीक है। अब प्रेशर इन्हें चेंज कर दिया, राइट, अब इन्हें प्रेशर कितना कर दिया है, 0.1, तो अब पार्शियल प्रेशर हो जाएगा ये इंटू 0.1 और ये इंटू 0.1, ठीक है क्लियर? अब जब इक्वेशन लिखोगे तो हो जाएगा 4 × 0.1 × α² /
वन माइनस अल्फा स्क्वायर, और केपी की वैल्यू वही रहेगी, कितनी आई थी केपी की वैल्यू? सर 4/15 ले लो, सो 4/15 हाँ ठीक है। अब सॉल्व कौन करेगा इसको? दोनों साइड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 10/25, तो अल्फा आ जाएगा इसका रूट निकालो कितना आ रहा है, 0.63 दिया हुआ है इन्होंने, इसको जरा चेक कर लो बस जो मैंने लिखा है, अगर ये उतना आ रहा है तो सही है। मैंने जो किया वो सही किया है, मैंने पूरा सॉल्व मैंने सही किया कि नहीं किया है, मतलब कैलकुलेशंस बाकी तो पता ही है, एक्सप्रेशन तो वही है, मैंने भी सेम ही किया था, इससे 63.2% आ रहा है, तो फिर तेरा आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कोई एरर नहीं किया तो तूने भी कोई एरर नहीं किया, तो फिर सही आंसर आना चाहिए। किसी का आया था क्या 87? हैं, किसी और का 87 आया था क्या? अरे घूंगे लोगों, तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, 63% आ रहे सर। अच्छा, दो ही कितने पार्टिसिपेंट्स हैं भाई, बोल दो ही लोग रहे हैं। अच्छा सर, यहां तक तो पहुंचे ही नहीं अभी सर, ई बानी खत्म हुई है ना? यस सर। अरे मचा गली में शोर, चोरी पकड़ी गई। ओके 36 से 40 से 37 सर। कितना बड़ा क्वेश्चन है यार ये, लोग पढ़ते कैसे इतने बड़े क्वेश्चन? सीओ लिया है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस टिल टोट, अरे वही पूरा ऊपर वाला क्वेश्चन ही था, देख सेम क्वेश्चन है CH3OH वाला, इसमें पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम 8.5 atm हो जाएगा, तो वही करना है वो a-2x and all that bullshit, और फिर PV0 लगाना है, उससे आंसर आ जाएगा। शायद मेरी सर क्यूबिक बन गई थी सर इक्वेशन, क्यूबिक तो हाँ बन सक, नहीं नहीं बनेगी, ये ऊपर का तो कट जाएगा ना, डेल्टा एनजी स्टेशन का -2 आ रहा है तो स्क्वायर बननी चाहिए, क्यूबिक शायद नहीं बननी चाहिए, एक बार देख ले आंसर। सर ये डाउट था सर कि H2 की क्या लूं सर इक्विलिब्रियम पे, इन्होंने खाली ये लिख दिया हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस्ड अंटिल द प्रेशर बिकम्स, ए मान ले इनिशियली, ए मान ले सर, PVNRT से टोटल मोल्स निकाल सकते हैं ना उससे, फिर वो तो करना ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो एक बार ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, ये CO है, 2H2 है और CH3OH है, राइट? यही है CO दिया हुआ है 0.15, yes or no? ये नहीं दिया, A मान ले इसको, ठीक है ना, और इसमें से X कटेगा, इसमें से 2X कटेगा, तो इसका कितना बनेगा X, ठीक है, तो X है ना वो कितना हो जाएगा 0.08, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी A-0.16। अब बस इसको प्लस इसको प्लस इसको इक्वल टू टोटल एन रख के PV0 लगा दे, ए की वैल्यू भी आ जाए, तो केसी के भी निकालना इजी हो गया, समझ गया? हाँ जी सर, हाँ जी सर, आया समझ में? तो ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके, पहले सर ने ये क्वेश्चन किया था, तो उसमें तुम लोग लड़ रहे थे कि क्वेश्चन चेंज करना है कि आंसर, क्लियर है? यस सर। ओके 40 तक और कोई,
41 से 50 41 से 46 सर 44 का सी या डी में से कोई भी एक बात एक पार्ट बता दो ओके मैं सारे बता देता हूँ ना मैं तो नहीं नहीं सर अभी ऐसा अस्यूम करो कि हमें से किसी को पता ही नहीं है थर्मोडायनेमिक्स और कहते हैं ये क्या क्या इक्विलिब्रियम है ठीक है हम क्वेश्चन को ही सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन ने इक्वेशन हक दिया है लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 RT क्लियर सही है यस सर ओके ये क्वेश्चन ने खुद ही कर दिया अब आगे डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन ठीक है करके देखते हैं स्लोप कितना दिया इन लोगों ने स्लोप दिया इन लोगों ने माइनस 0.5 राइट टैन थीटा इज इक्वल टू 0.5 है पॉजिटिव तो स्लोप क्या हो जाएगा माइनस 0.5 सर प्लस पॉइंट सर प्लस है सर सर प्लस पॉइंट प्लस है सर घोचू तुम लोग स्लोप निकालना भूल गए सर टैन थीटा 0.5 दिया सर हाँ जी स्ट्रेट लाइन का जो कर्व बना है उसका स्लोप क्या है पॉजिटिव स्लोप है उसका अच्छा थीटा इन्होंने दूसरा दिया होगा ना एक्यूट एंगल तो नेगेटिव लग गया अरे भाई इसका स्लोप टैन अल्फा है टैन थीटा नहीं है ध्यान से देख सर अल्फा कौन सा थीटा कौन सा ये तो मेंशन ही नहीं है यहाँ पे सर अल्फा थीटा तो सर नीचे अलग दे रखे हैं सर अरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए तो हुए हैं उस लाइन में देखो ना ग्राफ को ध्यान से ग्राफ क्यों नहीं देखते डरते क्यों ग्राफ से तुम लोग यार अरे प्रिंसिपल तो रखे मॉडल में अल्फा थीटा मेंशन ही नहीं है नीचे अलग से दो अल्फा थीटा लिखा हुआ है अच्छा तो एक्यूट एंगल है वो थीटा है जो ऑब्ट्यूस है वो अल्फा है अब हो जाएगा क्या मेरे पास तो सही है यार पता नहीं तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया इन लोगों ने पक्का कलाकारी की होगी स्पेस काटने के चक्कर अरे अब हो जाएगा कि नहीं होगा एक्यूट एंगल जो है वो थीटा है और ऑब्ट्यूस अल्फा है अब हो जाएगा सर सी या डी फिर भी बता दो मेरे जो मतलब ओके, 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 बता दो रिलैक्स 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 बता दो ठीक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट तूने ए निकाल लिया था तूने ए निकाल लिया था 10 की पावर 10 पावर 10 आ गया था सर ठीक है तो सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ठीक है तो लॉग के इक्वल टू लॉग ऑफ 10 की पावर 10 10 हो गया क्लियर यस सर माइनस डेल्टा एच नॉट डेल्टा एच नॉट निकाल चुका है कितना आ रहा है डेल्टा सर ये आया था 9.5 समथिंग आया था अरे काम करते हैं ना सीधा कर लेते सुन स्लोप ही निकाल लेते स्लोप कितनी है माइनस 0.5 है ना हाँ जी सर बस खत्म करते ठीक है अपॉन टीटी कितना है 298 केल्विन ठीक है अब इसको देख सुन ध्यान से 10 के सामने इसकी कोई औकात नहीं यस सर कर दे नेगलेक्ट तो k इक्वल टू नियरली हो जाएगा 10 की पावर 10 क्लियर है अब डी भी कर लेगा बस टेम्परेचर चेंज करना है ये सर हो जाएगा ओके और कोई 46 तक तो नेक्स्ट वीक का टारगेट सबको पता है E2 और S2 यस सर सबको क्लियर है ओके करके आना अच्छे से सही से और पहले E2 करेंगे फिर S2 करेंगे और ये बताओ मुझे सुबह की टाइमिंग कितने लोगों को फेवरेबल नहीं है तो शाम की टाइमिंग मिल सकती है इसलिए मैंने बोला है मुझे अलाउ कर दिया शाम को इवनिंग सर सुबह ठीक है बस ठीक है बस वही समझ आ रहा था सुबह 10 बजे तो अगली सुबह 10 बजे यही लॉगिन आईडी होगी यही यही कहते हैं वो होगा मतलब ठीक है लॉगिन सब कुछ ठीक है चेंज करने की जरूरत नहीं है
यही रहेगा सर, सर एक लिंक दे ही रखा है। अरे लिंक मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुमने उस पर लॉग इन किया है ना? यस सर। पर्सनल मीटिंग आईडी है ये, तो तुम लोग इसी पे लॉग इन कर सकते हो, वापस तो मिल जाएगा लॉग एक्सेस, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है उसका, क्लियर है सर? हाँ सर, जैसे हमें 10^1.6 दियो, अगर उसे फ्रैक्शन में करना हो फिर कैसे करेंगे वो बता दे। अच्छा, काम की बात। 10^1 क्या है? 1.6 है, है? यस सर। इसको दो पार्ट में तोड़ दे, 10^1 × 10^0.6। अब बेटा ये बता 0.6 किसका लॉग होता है? 2 का स्क्वायर, 4 का लॉग, 4 का लॉग होता है। हाँ, 4 का। यस सर। 4 × 10 = 40 हो गया, खत्म। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। और कुछ किसी को? फिर अपने अपनी मीटिंग एंड हो जाएगी। प्रियांशु याद से YouTube पे अपलोड करके इसके लिंक पेस्ट कर देना चैट पे, ठीक है? यस, जब मीटिंग खत्म होती है कर देता हूँ। ठीक ठीक ठीक। और कोई कुछ? अपने आप ही एंड हो जाएगी मीटिंग, मैं क्यों एंटर। Anybody with any more queries? हाँ, खामोशी द म्यूजिकल, अच्छी बात है। चल कोई नहीं, प्रियांशु एंड करते मीटिंग। ओके सर।